हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा यहाँ हॉस्पिटल है जो मनोरुग्णों को हम भर्ती करते हैं, जिसमें रिश्तेदारों के साथ में हम भर्ती करते हैं। और दूसरा एक हॉस्पिटल है, वहाँ शराबी, नशा जिनको है उनको और मेंटल पेशेंट को बिना रिश्तेदार हम भर्ती करते हैं। आज मैं आपके सामने आने वाला हूं विषय लेके, डिप्रेशन, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना, पहचानना कैसे। डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। करीब करीब 5 से 17% लोगों को, आम पब्लिक में, डिप्रेशन की बीमारी होती है। ज्यादातर ये बीमारी, मतलब मेल फीमेल में, पुरुष और महिला, इसमें महिलाओं को ज़्यादा होती है और अप्रॉक्सीमेटली 40 साल के उम्र में यह बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। यदि उदासीनता के या डिप्रेशन के लक्षण कंटिन्यूअस 2 हफ्ते तक है, और मैं अभी जो बोल रहा हूँ लक्षण, उसमें से 5 में से 9 यदि लक्षण है, तो उसको डिप्रेशन है ऐसा माना जाता है। फिर उसको पहचानना कैसे कि इसको डिप्रेशन है करके, क्योंकि हमको रोज के जीवन में भी हमको दिखाई देता है कि भाई लोग बोलते मेरा मूड खराब है, मुझे उदास लग रहा है, निराशा आ गई है, मुझे कुछ समझता नहीं है, मतलब ऐसा लोग आम इसमें भी लोग बोलते रहते हैं। तो वो मूड खराब होना या डाउन लगना वो अलग बात है, वो तो काफी सारे लोगों को काफी सारे समय तक दिन में होता होगा, पर हम ये उसकी बात कर रहे हैं कि 2 हफ्ते तक कंटिन्यूअस कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जिससे काम के ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो पेशेंट जो है, वो व्यक्ति जो है, वो सफर करता है, तकलीफ होती है उसको, वो डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं। तो कौन से लक्षण है कि नंबर एक है कि सैडनेस ऑफ मूड, मतलब उसका मूड जो है, भावना, वो उदासीनता की रहती है, निराश और हताश रहता है वो। उसको बहुत दुख लगता है, बिना कुछ कारण वो दुखी रहता है, उसको लगता है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा क्या बात का दुख हो रहा है, बहुत उदास लग रहा है, उसको रोना आता है उसकी वजह से, और वो बिना कुछ कारण रोता है। कुछ पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि भाई हमको रोना ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि मैंने रोना चाहिए मगर रोना नहीं आता, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। तो नंबर दो का है भूख नहीं लगना। तो ये लोगों को भूख नहीं लगती, और भूख न लगने से मतलब खाने में कुछ रुचि नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई टेस्ट नहीं रहती है खाना उनको, मतलब ऐसा ऐसा लगता है कि भाई उसमें कुछ टेस्ट ही नहीं है, और उनका वजन भी घट जाता है। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको ज्यादा भूख लगती है डिप्रेशन में, और ज्यादा भूख लगने से उनका उनको मोटापा आ जाता है, मतलब उल्टा भी होता है। तो भूख नहीं लगना या ज्यादा भूख लगना। फिर तीसरा है और इंपॉर्टेंट जो है वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रुचि नहीं होना, कोई भी बात में रुचि नहीं, ना काम करने में रुचि, ना कहीं जाने आने में रुचि, ना शादी या कोई समारोह में जाने में रुचि, कुछ भी, मतलब इससे बात करने में रुचि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसको एक स्पेसिफिक टर्म है अनहेडोनिया। अनहेडोनिया मतलब ना उनको मूवी देखने के लिए उनको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई गप्पे मारेंगे, कोई घूमने चले जाएं, कुछ नहीं लगता उनको, ऐसा लगता कुछ ना करूं मैं, तो कंप्लीटली लॉस ऑफ इंटरेस्ट। फिर चौथा है नींद नहीं आना। ये लोगों को सवेरे जल्दी नींद खुल जाती है या रात को लेट तक नींद नहीं आती, या फिर बीच बीच में नींद खुलते जाती है, मतलब साउंड स्लीप नहीं आती, गहरी नींद नहीं आती। और ये जो मैंने मूड का बताया ना, तो ये मूड का सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और उठने के बाद में बिना कुछ वजह सुबह उनको ऐसा लगता है कि बहुत मैं दुखी हूं और उदास हूं, सुबह सुबह कोई कारण नहीं है, नींद से उठने के बाद में ऐसा लगता हूं कि भाई उदासीनता ज्यादा है। तो कुछ लोगों को नींद ज्यादा आती है, बहुत सोते हो, 7-8-8, 10-10 घंटे सो जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं और सोते ही रहेंगे दिन भर, मगर नींद नहीं आने का प्रमाण वाले लोग ज्यादा है। फिर नेक्स्ट है पांचवा, साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी मतलब हमारी हलचल, हमारे जो मूवमेंट है। तो कुछ लोगों को हमारे जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो चलेंगे, आराम से चलेंगे, आराम से बात करेंगे, उनकी क्रिया, मतलब खाना भी खाएंगे तो बहुत टाइम लगाएंगे खाना खाने को, बोलना है तो बोलने का स्पीड एकदम कम है, बहुत आराम से बात करेंगे, और उनको ऐसा लगता है कि बहुत, मतलब इतना उनका स्पीड कम हो गया, ऐसा लगता है कि भाई ये जल्दी जल्दी शब्द भी निकलते नहीं है।
तो जो हमारी एक्टिविटी है वो डाउन हो जाती है, या फिर कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा घबराहट और रेस्टलेस होती है, उसको बोलते हैं एजिटेटेड डिप्रेशन। वो क्या करेंगे, इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर जाएंगे, ऐसे घबराहट रहेंगे उनको, और कुछ बोलने की कोशिश करेंगे मगर बोलेंगे नहीं, और ऐसा बहुत ही रेस्टलेसनेस, घबराहट होती रहती है। तो साइकोमोटर एजिटेशन उनको होता है। फिर नेक्स्ट जो है छठवा, वो है एनर्जी, एनर्जी एनर्जी लेवल, उत्साह या ऊर्जा। तो बहुत ये लोगों में बहुत कम हो जाती है डिप्रेशन में, बहुत ही कम एनर्जी, उनको कोई काम करने में उत्साह नहीं, वीकनेस, थकान, टायर्डनेस। और फिर जैसा जैसा दिन बढ़ते जाता है, मतलब सुबह जल्दी उठने के बाद में, सुबह जल्दी नींद खुल जाती है, उसके बाद में उनको लो एनर्जी, वीकनेस, टायर्डनेस, उदासीनता। और जैसा जैसा दिन निकल जाता, आगे आगे बढ़ता है, तो शाम तक ये लोग अच्छे हो जाते हैं, हो सकते हैं या हो जाते हैं, और फिर शाम को थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, शाम को थोड़ी एनर्जी आ जाती है। तो एनर्जी